हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे इनसाइट आइज़ की क्विज, जो कि हमारे मई मंथ की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम आज दूसरे टॉपिक पे चलेंगे जो कि इन्वायरमेंट की है। तो मिलकर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इकोनॉमी की कंप्लीट हो चुकी है टोटल क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। या फिर पिछले मंथ की भी आप लोग को सॉल्व करनी है या फिर जून जुलाई की भी सॉल्व करनी है, तो आप लोग बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्विज सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है C40 सिटीज़ के बारे में, आपको इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि C40 जो है एक ग्रुप ऑफ 40 सिटीज़ है जो कि अराउंड द वर्ल्ड देखने को मिलेगा, और इनके द्वारा जो मेनली फोकस किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है, अर्बन एक्शन कैसे लेकर चलना है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो सके, क्लाइमेट रिस्क यहाँ पे कम हो सके, और साथ ही साथ हेल्थ, वेलबींग और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है अर्बन सिटीजन्स की वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। सेकेंड है कि इंडिया से अगर हम लोग देखें तो न्यू दिल्ली और मुंबई है जो कि सिर्फ दो सिटी है जो कि यहाँ पे C40 के मेंबर साइट्स है, तो मेंबर सिटीज़ है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, यानी कि गलत बताना है कि गलत कौन से स्टेटमेंट है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो अगर हम लोग इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट आप देखिए कि C40 ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 सिटीज़ का ही ग्रुप है इसलिए इसको C40 कहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल में। सेकंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया से 6 सिटीज़ है जो कि यहाँ पे C40 का मेंबर है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो हमारा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। C40 में आप देखो कि टोटल जो है ना ये ग्रुप ऑफ 96 सिटीज़ है। C40 जो है मेनली फोकस करता है कि यहाँ पे आपका क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है और अर्बन एक्शन लेकर चलना है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम हो सके, क्लाइमेट रिस्क कम हो सके। और हमारे इंडिया से आप देखोगे बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये सब 6 सिटीज़ है जो कि मेंबर है C40 के। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, डैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, बहुत बार इस बार आप देखोगे कि न्यूज़ में है और क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि ये आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, वन ऑफ द स्पीसीज़ है वो भी रिकवरी प्रोग्राम के लिए, अगर हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देखें। सेकेंड है कि जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड कितना है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया में, साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योर करना है ब्रीडिंग इन्क्लोजर को एरिया जो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है। थर्ड है कि अगर हम लोग बर्ड देखें, इसको यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है IUCN के द्वारा, तो आपको करेक्ट बताना है। अगर इनकी IUCN आप यहाँ पे स्टेटस जानते हो तो फिर ये आप आसानी से करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो ऑब्वियस है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट बर्ड आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है जो कि वन ऑफ द रिकवरी प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है, तो फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा एक ऑप्शन और कट हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आइए आगे देखते हैं कि वो इनकरेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, IUCN के स्टेटस आप देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। स्केड्यूल वन में है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत देखें, और अपेंडिक्स वन है जो कि साइट्स का है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे CMS में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी कन्वेंशन में है। साथ ही ये आपका स्पीसीज़ है जो कि रिकवरी प्रोग्राम के लिए रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा लाया गया है और यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई किया जाता है और देखा जाता है बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से लाया गया है, नहीं, ये स्टेट ऑफ आपका जो है राजस्थान की तरफ से लाया गया है। अब प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ कहाँ है, यानी कि किस किस एरिया में आपको जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेंगे, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में आपका जो है रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और केरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, आते ही थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि यहाँ पे है IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फोर स्टेटमेंट है टोटल। फर्स्ट है कि IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे नेचर को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, इस फील्ड में आपका काम करता है। सेकेंड है कि इसका मेन एम है कि पब्लिक को मोबिलाइज करना कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन को कैसे यहाँ पे आपका सपोर्ट करना है। थर्ड है कि ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पे कंसल्टेटिव स्टेटस भी है यूनाइटेड स्टेट का, नेशन का। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसको इस्टेब्लिश भी किया गया है नेचर के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो करेक्ट आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
तो यहाँ पे करेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताने का कोशिश कीजिए कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेकंड की बात करें तो आपको सेकंड में डाउट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि डेटा गैदरिंग में और एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी, एडुकेशन, इसमें ये इन्वॉल्व रहता है। IUCN का मिशन क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना है, इंकरेज करना है, साथ ही साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम लोग नेचर को कंजर्व कर सकें, ठीक है। IUCN में आप देखोगे कि ये बियॉन्ड कंजर्वेशन इकोलॉजी में ये फोकस करते हैं, और यहाँ पे इसका एम नहीं है कि पब्लिक को मोबिलाइज करना है कि नेचर को कंजर्व करें, ठीक है। ये इसका एम नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका एम यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है इसका कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना है, और बियॉन्ड द कंजर्वेशन यहाँ पर काम किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। इसको पहले जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर कहा जाता था, और साथ ही साथ जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता था। IUCN में आपको ऑब्जर्वर और जो कंसल्टेशन स्टेटस है ये दिया गया है यूनाइटेड नेशन में, और काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस किस एक्टिविटी से मिथेन जो है वो रिलीज़ होता है एटमोसफेयर में। फॉरेस्ट फायर, ग्लेशियर, लैंडफिल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें कि किससे किससे जो है मिथेन रिलीज़ होता है, तो ये सारे आंसर आपकी करेक्ट है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। परमा फ्रॉस्ट की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, आइस कोर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे जो है मिथेन आपका रिलीज़ होता है। वेटलैंड की बात करें तो क्योंकि वार्म टेम्परेचर है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो ये आइडियल होता है मीथेन प्रोडक्शन के लिए। फॉरेस्ट फायर यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका गर्मी देखने को मिलेगा और बर्निंग होता है, जिससे कि मीथेन रिलीज़ होता है। राइस पैडी से भी आपका जो है मीथेन रिलीज़ होता है, साथ ही एनिमल से भी आपका मीथेन रिलीज़ होता है, प्लांट से भी होता है, लैंडफिल से भी होता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी से भी होता है, साथ ही क्लोरीन रेडिकल से भी और हाइड्रोक्सिल रेडिकल से भी होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। कुछ और सोर्सेज है जहाँ से मीथेन इंक्लूड है, तो आप देख सकते हो कि जब गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस है जो कि आपका कोल एरिया से सिप हो रहा है, नेचुरल गैस डिपॉजिट से, तो ये सारी जगह से भी आपका जो है ना मीथेन सोर्सेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फिगर है, ये आप देख सकते हो कि मीथेन सोर्सेज कहाँ से सबसे ज़्यादा निकल रहा है, किस तरीके से, तो देखिएगा, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक है और साथ ही साथ नेचुरल है, यानी कि कुछ नेचुरल चीज़ें भी है, एक्टिविटी है, जिससे कि आपका यहाँ पे मीथेन का रिलीज़ होता है, और कुछ हमारे जैसे लोगों के द्वारा किया गया एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा मीथेन का जो है रिलीज़ होता है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो है उसको डिक्लेयर किया गया है एज़ पर द प्रोविजन, जो कि हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 देख रहे हैं। सेकेंड है कि एरिया अगर हम लोग देखें जो हाई एंडेमिज्म है और जो की स्टोन स्पीसीज का प्रेजेंस है, उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। थर्ड है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो यहाँ पे नोटिफाई करेंगे वो बायोडाइवर्सिटी के सारे एरिया जो कि इंपॉर्टेंस है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से सब। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट का बात करें तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ना वो डिक्लेयर किया जाता है, वो भी यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजन से। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एरिया जिसमें कि हाई एंडेमिज है, यानी कि ऐसे यहाँ ऐसे स्पीसीज जो कि सिर्फ उसी एरिया में पाए जा रहे हैं, और की स्टोन स्पीसीज का प्रेजेंस है। की स्टोन स्पीसीज कहने का मतलब है कि अगर कोई स्पीसीज किसी एरिया में है तो उसके कारण दूसरे स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी आपका डिक्लेयर किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। थर्ड यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट है, आइए देख लेते हैं क्यों। अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके जो है वो यहाँ पे नोटिफाई करते हैं ऑफिशियल गैजेट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे आपका नोटिफाई किया जाता है। तो ये माइनर माइनर डिफरेंस है जिसके कारण जो है आपका क्वेश्चंस करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो एरिया है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे आपका नोटिफाई किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर। सेकेंड है कि ये एक ट्रांजिशन जोन जैसा काम करता है, यानी कि जो हाई प्रोटेक्शन एरिया है उस एरिया को आपको अलग करता है लो प्रोटेक्शन एरिया से।
थर्ड है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत इसको डिफाइन किया गया है और मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आपको बताना है, अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता है तो फिर आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि इको सेंसिटिव जोन को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमारा सीधे जो है ए बी और डी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होता है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन का बात करते हैं वो यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो एरिया को बताया जाता है जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर है, उसको यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है कि यहाँ पर आपका सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि कुछ आपका शॉक एब्जॉर्बर हो, यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है अगर उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाए, यानी कि यहाँ पर सही तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, मैनेज करना इस एरिया के चारों ओर, उसको यहाँ पर आपका देखा जाता है। तो ये ट्रांजिशन जोन जैसा काम करता है और ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको मेंशन किया गया, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द सेवन्थ क्वेश्चन जो कि स्नो लेपर्ड के बारे में है, इसके बारे में भी हम लोग PT 365 में कवर किए हैं। फर्स्ट है कि स्नो लेपर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट है, वो भी IUCN रेड लिस्ट में। सेकेंड है कि इंडिया में बात करें तो जो स्नो लेपर्ड हैबिटाट है वो नदन हिमालय माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में। थर्ड है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहाँ पे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू स्नो लेपर्ड को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। तो बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट का, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए IUCN रेड लिस्ट, क्योंकि ये सब के बारे में हम लोग IUCN जो डेटा है वो हम लोग PT 365 में कवर किए हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच PT 365 इन्वायरमेंट, ओके। सेकेंड बिल्कुल सही है कि स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय रीजन में ही होता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में देखने को मिलेगा। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है जिससे कि स्नो लेपर्ड को कंजर्व कर सके, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका IUCN रेड लिस्ट अगर हम लोग देखें तो वल्नरेबल है, ये आपका जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। बाकी आप देखो कि यहाँ पे इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ और साथ ही साथ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इसको जो है आपका लॉन्च किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि सिक्योर हिमालय है। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस और भी हम लोग सॉल्व करें, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक मॉर्निंग में आपको इस तरीके का क्विज सेशन देखने को मिलता ही है जहाँ पर हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन और जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारी यहाँ पर प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे लेसन लेकर आ सकती आप आती हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट करिए सजेशन से तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।